बारिश के दिनों में समोसे खाने का अपना ही मज़ा है। हरी चटनी हो या टमाटो सॉस हो या लाल चटनी हो और साथ में मिल जाए चाय तो और भी मज़ा आ जाता है। और समोसे अगर बने हों अपने घर में तो आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। 1, 2, 3, 4 जितना मन करे आप खाते चले जाएंगे। हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ समोसे, वो भी घर पर। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा को छान लिया है और एक बड़े से बोल में डाल लिया है और उसमें मैंने नमक डाल लिया है, साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पर मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और हम अच्छे से इसका एक आटा गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा हम इसका नहीं गूंदेंगे, थोड़ा हार्ड ही रहने देंगे। बस उतना गूंदना है कि ये थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छे से, एक साथ कंबाइन हो जाए। और इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल के साथ उसको अच्छे से गूंदेंगे और इसका एक क्रम्बली सा मिक्सचर बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए बाइंड हो रहा है ये आटा, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। तो ये आटा गूंदने के लिए मुझे आधा कप पानी का मतलब मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे ताकि कंबाइन हो जाए आटा। खस्ता समोसे बनाने का एक ही तरीका है कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से लगा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो हम अच्छे से गूंद देंगे इसको। फ्लेकीनेस जो आती है समोसे में वो आटे की वजह से ही आती है, तो अगर आपका आटा अच्छे से गूंदा होगा तो आपका समोसे खस्ता और फ्लेकी बनेंगे। तो आटा हमारा लग गया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी साइड में। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाला है और साथ ही में मैं एक छोटा चम्मच धनिया, जो साबुत धनिया होता है, उसके बीज डाल दूंगी और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच अदरक का, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्ची और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा कम ही तीखा पसंद करता है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बहुत कम मिर्ची डाली है। तो मिक्स कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप मटर। तो ये मटर को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और बाकी मैं इसमें पका लूँगी कढ़ाई में। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। और अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया है, नमक क्योंकि हमने आटे में भी लगाया है तो थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम आलू जो हैं वो भी बॉईल करके रख लिए हैं। मटर को हम थोड़ा सा पका लेंगे 2-3 मिनट तक। और 3 आलू जो मैंने बॉईल किए हैं वो अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को आप चेक करके भी देख सकते हैं, नमक वगैरह अपने हिसाब से।
और 8 से 10 काजू को मैंने इस तरह से क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा चॉप करके। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं और हरा धनिया खूब सारा आप इसमें डालिए। बहुत स्टफिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके समोसे वैसे ही बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है और इसको अलग से निकाल कर प्लेट में हम ठंडा कर लेंगे। तो हमारे आटे को भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं 5 से 7 मिनट तक अच्छे से एक बार फिर से गूंद लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइट आटा है तो इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको अच्छे से गूंदना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद हमारा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और हम पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस इसी को गूंधेंगे। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी कट करके। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी लोइयाँ तोड़िए, और अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटी लोइयाँ तोड़िए। मैं यहाँ पर छोटे समोसे बनाऊँगी। और एक लोई से 2 समोसे आराम से बन जाएंगे। तो अब हमें अपनी जो लोई है उसे बेलना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे सरफेस पे या चकले बेलन पे। और अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे गोल नहीं बेलना है, हमें इसे ओवल शेप में बेलना है, यानी अंडे के शेप में। तो इसको सीधा सीधा एक ही तरफ से हम बेलते जाएंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो ये देखिए अच्छे से बेल रही हूँ मैं इसको। और अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे इस तरीके से। और जिस साइड से हमने कट लगाया है उस तरफ हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, जिससे कि हम जो अपना समोसा है उसको बाइंड कर सकें और उसको एक ट्रायंगल का शेप देना है। तो ये देखिए एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से हमें इसे बाइंड करना है, और ये आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए तो ये अच्छे से बाइंड हो गया है। और अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग भर रहे हैं अब इसके अंदर हम। और अब इन कोनों इनको भी, ये जो कोने हैं इन पे भी थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसको बंद कर देंगे। पानी लगाने से अच्छी तरह सील हो जाएंगे और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारा एक समोसा बनके तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम बाकी के भी समोसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसमें भी हम फिलिंग भर देंगे। और थोड़ा सा पानी कॉर्नर्स पे लगा के और इसको भी हम सील कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी रेडी हो गया है।
और बाकी के समोसे भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो लगभग 2 कप मैंने मैदा लिया था, जिससे कि मेरे 10 से 12 समोसे आराम से बन गए हैं। और कढ़ाई को यहाँ पर मैंने गरम होने रख दिया है पहले ही। हम कढ़ाई को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, जो ऑयल है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर तेल जो है, हम एक बार थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो हमारे जो मैंने आटा डाला है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है और मैंने जो आँच है वो मीडियम रखा है। हम मीडियम गैस पर ही इसे सेकेंगे, मीडियम से लो पर, ताकि जो समोसे हैं वो अंदर तक पक जाएँ। वरना अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पकेंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि समोसा जो है हमारा अंदर तक पके। तो हल्की आंच पर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा कलर आने लगा है। सारे समोसे पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय मुझे लग गया है। और ये देखिए, काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं समोसे हमारे। और अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और आप गर्मा गर्म इन्हें सर्व कीजिए, चाय के साथ, हरी चटनी के साथ, या जैसे भी आपको पसंद हो। और ये देखिए, हमारे समोसे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं समोसे। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए ये समोसे। बहुत ही सिंपल हैं ये समोसे बनाना, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।